हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज मैथमेटिकल साइंस सीएसआईआर नेट जेआरएफ जून 2021 का एग्जाम हो चुका है, तो आज हम इस वीडियो में आपको जून 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। और वो बताने से पहले हम लोग आपको पहले कुछ प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ बताएंगे, फिर उसके बाद आपको हम जून 2021 की भी कट ऑफ बताएंगे। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ्स की बात करें। जून 2020 की जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व की कट ऑफ जो गई थी वो 57% गई थी, ईडब्ल्यूएस की 51.38% गई थी, ओबीसी की 50.75% गई थी, एससी की 40.25% गई थी, एसटी की 30.88% गई थी। अगर हम खाली नेट की बात करें जून 2020 में, अनरिजर्व की 51.30% गई थी, ईडब्ल्यूएस की 46.23% गई थी, ओबीसी की 45.67% गई थी, एससी की 36.22% गई थी, एसटी की 27.78% गई थी। अगर हम दिसंबर 2019 की बात करें, जेआरएफ की अनरिजर्व्ड की कट ऑफ 53.63 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 48.13 गई थी, ओबीसी की अगर हम बात करें 46.25 गई थी, एससी की अगर हम बात करें 35.13 गई थी, एसटी की अगर हम बात करें 27.50 गई थी। अगर हम खाली दिसंबर 2019 में नेट की बात करें, अनरिजर्व की कट ऑफ 48.27 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 43.32 गई थी, ओबीसी की बात करें 41.63 गई थी, एससी की बात करें 31.62% गई थी, एसटी की अगर हम बात करें 25% गई थी। अगर हम जून 2019 की बात करें, अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 55.75 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 46.63% गई थी, ओबीसी की अगर हम बात करें 48.88% गई थी, एससी की अगर हम बात करें 37.75% गई थी, एसटी की हम बात करें 30.50% गई थी। अगर हम खाली नेट की बात करें जून 2019 में, अनरिजर्व कट ऑफ 50.18 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 41.97 गई थी, ओबीसी की अगर हम बात करें 43.99% गई थी, एससी की अगर हम बात करें 33.98% गई थी, एसटी की अगर हम बात करें 27.45% गई थी। इसी तरीके आप 2018 और जून 2018 की भी देख सकते हैं। चलिए जून 2021 की अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो चलिए उस पर हम लोग बात करें। सीएसआईआर नेट जेआरएफ जून 2021 मैथमेटिकल साइंस की कट ऑफ जून 2021 की असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो 53-57% के बीच में जा सकती है अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 47-52% के बीच में जा सकती है, ओबीसी की अगर हम बात करें 46-50% के बीच में जा सकती है, एससी की अगर हम बात करें 36-40% के बीच में जा सकती है, और एसटी की अगर हम बात करें 27-31% के बीच में जा सकती है। अगर हम खाली नेट की बात करें, अनरिजर्व की कट ऑफ 47-51% के बीच में जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 42-47 के बीच में जा सकती है, ओबीसी की अगर हम बात करें 41-46% के बीच में जा सकती है, एससी की अगर हम बात करें 32-37% के बीच में जा सकती है, एसटी की हम बात करें 25-27% के बीच में जा सकती है। यह परसेंटेज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के डेटा को एनालाइज करके बनाया है, और आप लोग भी हमारे कमेंट सेक्शन में अपना एग्जाम का रिव्यू दे सकते हैं और खूब सारे रिव्यू दें, जिसके बेसिस पे भी हम लोग एक हाईली एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएंगे, जिसका अप्रोक्सीमेशन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ और बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यू पर बेस्ड होगा। तो प्लीज आपने अपने एग्जाम का रिव्यू जरूर दें। और इसी तरीके की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।